कौन है मनोज पांडे, क्या रिश्ता है उनका भल्लाल देव से, कैसे जानते हैं राज ठक्कर कटप्पा को, नीति माथुर और देवसेना कैसे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली जब से आई है तभी से कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ ही रही है। इस फिल्म के टिकट करीब हर 12 सेकंड में बुक होते हैं। किसी फिल्म के लिए ऐसी दीवानगी पहले सिर्फ दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये कुमार भारत के दूसरे राज्यों तक भी पहुंच चुका है। इस फिल्म ने पहले दिन में ही दुनिया भर में करीब करीब 181 करोड़ की कमाई कर ली थी। हर कोई इसे हॉल में ही देखना चाहता था और लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल कर इसे जरूर देखें। बाहुबली मूल रूप से तमिल और तेलुगु भाषा में बनी थी। इसे दूसरी कई भाषाओं में डब किया गया था और पूरा उत्तर भारत इसे हिंदी में ही देखना पसंद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को किन कलाकारों ने हिंदी में डब किया है? आज हम आपको बताएंगे कि बड़े पर्दे के इन हीरो हीरोइनों के पीछे आखिर किन की आवाज़ है जो आपको सुनाई देती है। बाहुबली यानी प्रभास की आवाज़ दी है मशहूर टीवी एक्टर शरद केलकर ने, जिस पर डिटेल वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। वैसे शरद तो आपने कई टीवी सीरियल्स में देखे होंगे और ये 1920 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और ये कई अंग्रेजी फिल्मों की डबिंग भी कर चुके हैं। इसके साथ ही कटप्पा को आवाज़ दी है राज ठक्कर ने। ये एक बहुत ही मशहूर डबिंग कलाकार हैं। डबिंग हर कोई नहीं कर सकता, इस काम के लिए भी एक कुशल एक्टर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि ये सभी पर्दे पर ही आए, बस इनका एक अच्छा एक्टर होना ही जरूरी है। फिर बारी आती है भल्लाल देव यानी कि राणा दग्गुबाती की आवाज़ की, जो कि दी है मनोज पांडे ने। ये मुंबई में काफी मशहूर डबिंग आर्टिस्ट हैं और कई अंग्रेजी फिल्मों और किरदारों को इन्होंने आवाज़ दी है। डबिंग एक ऐसी कला है जहां आपको एक्टर के भावों को हूबहू लेना पड़ता है। आपकी आवाज़ उसी फ्रीक्वेंसी में आनी चाहिए जिसमें एक्टर बोल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये काम एक्टिंग से भी ज्यादा कठिन है। फिर बिज्जल देव को आवाज दी है दीपक सिन्हा ने। फिल्म में किरदार नसर ने निभाया है। इनकी खुद की आवाज बेहद मजबूत है। इनको आपने चाची 420 में एक बहुत ही रोचक किरदार निभाते देखा होगा। इसके साथ ही अनुष्का शेट्टी यानी कि देवसेना को आवाज दी है नीति माथुर ने। देवसेना का किरदार बहुत ही शक्तिशाली है और अनुष्का शेट्टी की अदाकारी को भी बेहद सराहा गया था। इनके डिटेल वीडियोस कि ये कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं, इसकी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि SS राजमौली ने बाहुबली के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। क्योंकि ये पार्ट और इसकी कहानी अलग होने वाली है, ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सभी डबिंग आर्टिस्ट इस फिल्म में हिस्सा होते हैं। अगर हाँ तो किस किरदार के लिए करेंगे ये डबिंग, ये सब देखने को मिलेगा आपको हमारे आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।